आज सुबह क्या ही दिन का आगाज हुआ। जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि इमली का पानी जल चुका है, जिसको चढ़ाए हुए सिर्फ 5 मिनट हुए थे। लेकिन मैं तो ठहरी ठीक, मैंने फिर भी एक नया इमली का पानी चढ़ाया, चटनी बनाई, क्योंकि पापा के ऑफिस के लिए पराठा रोल बनाने थे। आज का दिन बहुत ज़्यादा थकाने वाला था। अपनी फ्रेंड के साथ मैं रेट का मुआवजा करने सब्जियों का मार्केट भी गई। सब्जियों के रेट तो बहुत ज़बरदस्त थे और हम अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए अपने टिलिंटन मार्केट गए। वहाँ से हमने अपने लिए कुछ परिंदे भी लिए। वीलॉग तो बहुत इंटरेस्टिंग है, चलते हैं फूड वीलॉग की तरफ। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने इमली चढ़ाई, साथ में सारे लवाजमात जो नमक मिर्च वगैरह होते हैं डाले, लेकिन वो पानी विदिन 5 मिनट्स जल गया। खैर, मैंने पराठा रोल की तैयारी स्टार्ट की। यहाँ मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ क्योंकि पापा को आज मैंने लंच में पराठा रोल लेना है। इमली की नई चटनी तैयार है। जो मेरी दुश्मन चटनी है वो जल चुकी थी। खैर, बहरहाल ये तवा है बहुत ज़्यादा जल चुका था, तो मैंने सोचा पराठा अब इस पे डाल देती हूँ आग के बगैर। वैसे तो मैं एक्सपर्ट कुक हूँ, अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ, सिर्फ पराठा रोटी है जो मुझसे नहीं बनती। जिस दिन गोल रोटी बनेगी उस दिन मेरा रिश्ता भी आ जाएगा। मुझसे दुनिया जहाँ की कुकिंग करा लो पर मुझे पराठा बनाना नहीं आता। आपको बाय द वे सबसे मुश्किल डिश कौन सी लगती है बनाना? कोरमा, बिरयानी वगैरह? खैर, वो भी मैं बना लेती हूँ, सिर्फ पराठा नहीं मुझसे बनता। अब ये एक जुगाड़ है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपकी रोटी के ऊपर जले हुए पीसेज हों तो आप आटे के साथ उतार सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि औरतें मर्द से ज़्यादा बेहतर कुक्स होती हैं, जैसे हमारी अमियाँ। अगर इस बात में हकीकत है तो फिर 5-स्टार होटल्स में ज़्यादातर शेफ लड़के क्यों होते हैं, लड़कियाँ क्यों नहीं? बहरहाल जो भी वजह हो, जो भी रीज़न हो, मैं तो पापा का पराठा रोल बना चुकी हूँ और मीठे में सोचा कि पापा को मैं टोस्ट के ऊपर न्यूटेला लगा कर दे दूँ। ये तो मैंने खास चटनी बनाई है। वैसे तो मैं हर तरह की कुकिंग कर लेती हूँ, बस पराठा मुझसे नहीं बनता। वैसे टोस्ट के ऊपर न्यूटेला लगा के मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। स्कूल टाइम पे हम ये बहुत ज़्यादा खाते थे। ये एक चीज़ टोस्ट है जो मैंने पापा के लंच के लिए बनाया था, लेकिन आज सुबह जो जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, कभी तवा जल गया, कभी चटनी जल गई, मैंने सोचा ये चीज़ टोस्ट मैं अब खुद खा लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और खुद के खाने के लिए सिर्फ समोसे हैं जो घर वालों ने एक हफ्ते के लिए ख़रीद के रखे हुए मेरे लिए फ्रिज में। टोस्ट तो बहुत ज़्यादा मज़े का था क्योंकि इसमें मोज़रेला चीज़ थी। इसके बाद फ्रेंड को फ़ोन किया, उसके साथ मैं टुलिंटन मार्केट गई। टोरंटन मार्केट में जानवर इतनी गंदी हालत में पड़े होते हैं, इतनी गर्मी और इतना गंद होता है। ये वो चूज़े हैं जिसको देखकर बचपन याद आ जाता है। बचपन में हम लेते थे, लेकिन अब क्योंकि इतनी अवेयरनेस आ गई है और इतनी डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, अब ये वाले चीज़ें नहीं हम लेते। मुझे चाहिए थी मुर्गियाँ, मगर मेरी फ्रेंड को शौक था सब्जियों के रेट का कंपैरिजन करने का। यहाँ पे प्याज 50 भी मिल रहा था और 40 भी। बहरहाल कुछ सब्जियां लेकर हम यहाँ पर मुर्गियाँ लेने आए, और मुझे ये नहीं मालूम था कि यहाँ मुर्गियाँ तोल कर खरीदी जाती हैं। मैंने अपने लिए मुर्गियाँ ली और मेरी फ्रेंड ने अपने लिए तोते लिए। यहाँ पर बिल्लियाँ और कुत्ते जिस हालत में थे, दिल कर रहा था उनको ले लूँ पालने के लिए, मगर घर में इजाज़त नहीं है उनको पालने के लिए। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स कहती हैं कि तुम अपने घर वालों से डरती हो, उनके आगे बात नहीं करती, कि तुमने बिल्ली पालनी है, बिल्ली पालनी है या कुत्ता, तुम तो डरपोक हो। हालांकि डरपोक होने में और लिहाज करने में बहुत फ़र्क होता है। अपने माँ बाप की बात मानने में कोई डरपोकी नहीं होती, उसमें लिहाज और रिस्पेक्ट होता है। एनीवेज, हमने अपने अपने पसंद के जानवर ले लिए। मैंने मुर्गियाँ और मेरी फ्रेंड ने तोते ले लिए। यहाँ पर बटेर भी थे जो मेरी फ्रेंड बचपन में बहुत शौक से खाती थी, और आई थिंक ये टर्की है या पता नहीं क्या चीज़ है, अलग किस्म के परिंदे थे। एनीवेज, यहाँ पे खुआरी के बाद मैंने ख्वाहिश की काश मैं फैसलाबाद चली ही जाती अपने घर वालों के साथ शादी अटेंड करने। एनीवेज, ये मेरा थर्ड व्लॉग है, एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट। बाय बाय।